सऊदी अरब के बड़े क्लब ने रोनाल्डो को दिया ऑफर। 200 मिलियन यूरो का ऑफर, क्या रोनाल्डो ने किया साइन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी नहीं लिया है कोई भी फैसला। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात की जा रही है कि डील के लिए राजी हो चुके हैं रोनाल्डो। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पोर्चुगल के लिए रोनाल्डो ने किया है सिर्फ एक गोल। पोर्चुगल के कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो इस वक्त किसी भी फुटबॉल क्लब का हिस्सा नहीं है, रोनाल्डो इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को अलविदा कह दिया था। अब इसी बीच सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नासर की ओर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 200 मिलियन यूरो पर ईयर का मुंह में पानी लाने वाला ऑफर दिया गया है। रोनाल्डो ने खुद ही दावा किया था कि उन्होंने पहले ही 305 मिलियन यूरो के ऑफर को ठुकरा दिया था। अब इस सौदे के बारे में नहीं कहा गया है कि क्या रोनाल्डो इस नए ऑफर को साइन करना चाहते हैं, जो स्पेशली फीफा वर्ल्ड कप के बीच में पेश किया गया है। रोनाल्डो ने ब्रिटिश जर्नलिस्ट पियर्स मॉर्गन के साथ एक इंटरव्यू में मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्रिटिसाइज किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि क्लब के कुछ लोग ही उन्हें बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। 37 वर्षीय फुटबॉलर ने यहां तक कह दिया कि उनके मन में टीम के मैनेजर एरिक टेन हैग के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इस इंटरव्यू के कुछ ही वक्त बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि क्लब और रोनाल्डो अपने एग्रीमेंट को समाप्त करने के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तैयार हो गए हैं। इस एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद रोनाल्डो एक फ्री एजेंट बन गए हैं। अल नासर एकमात्र ऐसा फुटबॉल क्लब है जिसने रोनाल्डो के फ्री एजेंट बनने के बाद से उनमें काफी सीरियसली इंटरेस्ट दिखाया था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह बताया है कि रोनाल्डो और अल नासर के बीच सब कुछ फाइनल हो चुका है। वहीं कुछ दूसरी रिपोर्ट्स ने साथ ही रोनाल्डो के करीबी लोगों ने इन रिपोर्टों का खंडन भी किया है। पियर्स मॉर्गन ने रोनाल्डो और अल नासर के बीच एक एग्रीमेंट पर पहुंचने की खबरों को एक अफवाह बताने के लिए ट्विटर का भी सहारा लिया है। यहां तक कि ट्रांसफर स्पेशलिस्ट फुटबॉल जर्नलिस्ट फैब्रिजियो रोमानो ने यह बताया कि अभी तक कुछ भी साइन नहीं किया गया है। इससे पहले रोनाल्डो के एजेंट जॉर्ज मेंडेस ने बायर्न म्यूनिख, चेल्सी, एटलेटिको मैड्रिड जैसे कई यूरोप के दिग्गज क्लब से बात की थी, लेकिन किसी ने भी 37 साल के फॉरवर्ड में कोई सीरियस इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आपको बता दें कि अभी भी रोनाल्डो की प्रोफाइल को देखते हुए यूरोप के चैंपियंस लीग में खेलने वाले क्लब उन्हें कुछ ऑफर दे सकते हैं। एक फ्री एजेंट होने के चलते रोनाल्डो ट्रांसफर विंडो का वेट किए बिना या किसी बड़े क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस दौरान अमाउंट को लेकर भी ज्यादा ना सोचें। आपको बता दें, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पोर्चुगल के लिए रोनाल्डो ने केवल एक गोल किया है। रोनाल्डो इस टूर्नामेंट का एंड कुछ और गोल के साथ करना चाहेंगे, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें किसी बड़े क्लब से कोई बड़ा ऑफर मिले। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रोनाल्डो और सऊदी अरब के क्लब अल नासर के बीच कुछ भी फाइनल नहीं है। फिलहाल ये महज एक अफवाह है। हालांकि रिपोर्ट्स में ये बात की जा रही है कि रोनाल्डो ने इस डील को फाइनल कर लिया है। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। तो आपका क्या सोचना है इस रिपोर्ट पर, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और बने रहें हमारे चैनल ऑन एयर भारत के साथ। धन्यवाद।